हिजाब का लफ्ज सुनते ही जहन पर धुंध सी क्यों छाने लगती है? क्या आप हिजाब के बारे में किसी उलझन में हैं? क्या आप हिजाब के बारे में जानना चाहते हैं? हिजाब क्या है? हिजाब आड़ है, पर्दा है, रोकने वाली चीज है। ये हिजाब क्या है? हिजाब जबर नहीं है, हिजाब आजादी है। आजादी है उन नजरों से जिनमें हया नहीं, जो आपकी तरफ बुरी नीयत से उठती हैं। हिजाब औरत का हक है, औरत की जिंदगी है, औरत के लिए रब्बुल इज्जत की पसंद है। हिजाब महज एक कपड़ा नहीं है जिससे औरत खुद को छुपाती है। हिजाब में उसके सोचने का अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसकी नजर, उसका चलना फिरना शामिल है। हिजाब हिफाजत है। क्या आपने देखा हर फल हर सब्जी पर एक मुहाफिज होता है, उसका कवर उसका हिजाब होता है जो उसे महफूज करता है। अगर आपको बगैर छिलके के फल मिले और आप हिफ्जाने सेहत के उसूलों को जानते हो, तो क्या आप ऐसे फल इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ऐसे फल इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक जानता है छिलके के बगैर गूदे पर जर्म्स आ गए होंगे। हर कीमती चीज की हिफाजत की जाती है। क्या आपने नहीं देखा आपके बदन के वो आजा जो ज्यादा कीमती हैं, वो ज्यादा बड़े हिजाब में हैं? अब देखिए, आपका दिल पसलियों के अंदर है, हड्डियों के ढांचे के अंदर हड्डियों का पर्दा है, फिर उसके ऊपर जिल्द का पर्दा है। आपका दिमाग झिल्लियों के अंदर है। झिल्ली क्या है? हिजाब ही तो है। उस झिल्ली के ऊपर अल्लाह पाक के फजलो करम से कैसे एक और कवर चढ़ाया गया, महफूज कवर, जिसके अंदर दिमाग होता है, जो झिल्लियों के अंदर महफूज होता है, एक और पर्दा। फिर उसके ऊपर देखिए स्कल है, खोपड़ी, खोपड़ी के ऊपर जिल्द है, जिल्द के ऊपर बाल है, एक नहीं कई कई हिजाब। कीमती है ना आपका दिमाग, तो उसकी हिफाजत कितनी खूबसूरती से की गई। आप ड्राई फ्रूट्स को देखते हैं, बादाम को देखिए, हिजाब ही तो है हिफाजत के लिए। आप अखरोट खाते हैं, अखरोट को अल्लाह पाक ने किस तरह से अंदर छुपा दिया। आप अनार को देखिए, अनार के दानों के बीच में कैसी लेयर होती है, फिर उसके ऊपर पूरा एक कवर होता है, छिलका, कैसा पर्दा है ना, दाने दाने को छुपा दिया। हर चीज की उस रब ने कैसे हिफाजत की है, हिजाब से, पर्दे से। औरत कीमती है क्योंकि वो माँ है, वो बीवी है, वो बहन है, वो बेटी है। आप कीमती हैं, कीमती हीरा बने, वो हीरा जो नायाब होता है, कीमती होता है, ऐसा पत्थर न बने जो फेंक दिया जाता है।